तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में डेमो क्लास है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अंकित जी जो कि इस क्लास को एज ए डेमो ज्वाइन किया है। इस क्लास में हम फंडामेंटल्स ऑफ पावर बीआई के बारे में जानेंगे, पावर बी क्या है, कैसे है और कैसे इस ऐप को ले सके, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोर्स में कितने दिनों का कोर्स है, क्या क्या कंटेंट है, इन सबों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इस ऑनलाइन डेमो क्लासेस में लाइव। तो अंकित जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने हमारे इस डेमो क्लासेस को ज्वाइन किया और आपने इंटरेस्ट दिखाया कि आईपीटेक स्कूल से आप पावर बीआई को सीखा जाए। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं पावर बीआई के बारे में। मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज को देखा होगा यूट्यूब पे, क्योंकि मैं 5000 से ऊपर वीडियोज यूट्यूब पे अपलोड कर रखा हूँ। तो मेरे पास जो भी डेमो क्लासेस के लिए आते हैं उसमें से 90% से ज्यादा लोग वही होते हैं जो मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो मुझे उनको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती। तो हम बात करते हैं अपने पावर बीआई कोर्स के बारे में। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन देता हूँ अपनी। देखिए, पावर बीआई जो आया हुआ है उसको हम लोग कह सकते हैं डेटा विजुलाइजेशन या रिपोर्ट विजुलाइजेशन कह सकते हैं। देखिए, पहले के जमाने में 5 साल पहले हम लोग डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स बनाने के लिए पूरी तरह से एक्सेल पे डिपेंडेंट थे। और भी एप्लीकेशन थी बट मोस्टली लोग एक्सेल के थ्रू ही बनाते थे। अगर मैं आपको कुछ रिपोर्ट का सैंपल दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि मैं किस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। तो कुछ रिपोर्ट फाइल मैं आपको आपके सामने ओपन करता हूं। जब पावर बीआई रन होता है तो बाकी एप्लीकेशन थोड़ा सा स्लो चलने लगता है। तो रिपोर्ट अगर एक्सेल में हम जो रिपोर्ट बनाते थे, एक्सेल में जो हम डैशबोर्ड बनाते थे तो उसमें काफी टाइम लगता था, काफी एफर्ट लगता था और काफी नॉलेज की भी जरूरत थी। जैसे आपके सामने एक सिंपल सा डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, तो इस तरह की चीजें या फिर और भी जैसे हम ग्राफ्स और मतलब इंटरैक्टिव अट्रैक्टिव रिपोर्ट वगैरह जो हम बनाते थे तो उसमें क्या था कि एक्सेल में बहुत टाइम और बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था। अब एक सिंपल सा रिपोर्ट एक बार और दिखाता हूं मैं आपको। इसको देखिए सर, अब इस रिपोर्ट को अगर मान लीजिए मैं बनाने की शुरू करूं तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। और अच्छी खासी नॉलेज चाहिए इस तरह की रिपोर्ट बनाने के लिए एक्सेल में। बट पावर बीआई इसी काम को विदिन 10 मिनट में 5 मिनट में कर देता है और ज्यादा नॉलेज की भी जरूरत उसमें नहीं है। हाँ, जब उसमें बहुत सारे क्रिटिकल वर्क करते हैं तो हमें जब नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बट आम आदमी भी पावर बीआई ओपन करके कुछ ना कुछ रिपोर्ट, कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्टिव सैंपल रिपोर्ट बना सकता है। किस तरह की रिपोर्ट, किस तरह की डैशबोर्ड बनाई जा सकती है, इसको जानने के लिए सिंपल सा आप क्या करें, गूगल पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें यहां पावर बीआई डैशबोर्ड, और इसके गूगल इमेज सेक्शन में चले जाएं तो आपको दिख जाएगा कि इस तरह के अट्रैक्टिव रिपोर्ट आप पावर बीआई के थ्रू बना सकते हैं। अभी मार्केट में बहुत सारी एमएनसी कंपनीज जो है वो पावर बीआई इस्तेमाल कर रही है। पावर बीआई इस्तेमाल करने के पीछे रीजन ये है, सबसे पहले कि इसमें आपको एक वेब एप्लीकेशन मिल जाता है, मतलब कि अगर जिस पीसी पे अगर आपको पावर बीआई नहीं भी है वहां भी अगर आपने डेटा क्लाउड में रख रखा है तो आप रिपोर्ट्स को बना सकते हैं, रिपोर्ट्स से एडिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपने पावर बीआई की रिपोर्ट बना ली है तो आप
आपको अपने टीम में जस्ट शेयर करना है, बाकी सभी लोगों के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। इंडिविजुअली फाइल मेल नहीं करनी है, आप वेब लिंक बना के भी भेज दे सकते हैं, इजीली मोबाइल पे भी ऑपरेट हो जाएगा, मोबाइल पे भी देख लेंगे कोई भी डैशबोर्ड था, क्योंकि इसके जो पावर बी आई के जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ डेस्कटॉप के नहीं है, वेब एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है और आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, तीन एप्लीकेशन है, तो तीनों प्लेटफॉर्म पे चलता है, वेब पे भी चल जाएगा, मोबाइल पे भी चल जाएगा और सिस्टम पे भी चल जाएगा। इसलिए हर कोई इसको रिपोर्ट हर एक डिवाइस से इसको देख सकता है, इसलिए पावर बी आई इतना पॉपुलर है। दूसरी चीज इसमें इस तरह के जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, इस तरह के जो डैशबोर्ड देख रहे हैं या ये डैशबोर्ड देख लीजिए, इस तरह की डैशबोर्ड बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में ये रिपोर्ट बना लेता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनाने का एग्जांपल मैं देता हूं, तो मैंने पावर बी आई ओपन किया हुआ है, यहाँ हमारा गेट डेटा का ऑप्शन है, क्योंकि पावर बी आई का अपना डेटा नहीं होता है, हमें किसी न किसी प्लेटफॉर्म से डेटा लेके आना होता है, चाहे एक्सेल हो, चाहे एक्सेस हो या SQL हो या ओरेकल हो या और भी बहुत तरह के डेटाबेसेस हो। तो मैं यहाँ एक्सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मान लीजिए डैशबोर्ड वन का डेटा हम यहाँ से ओपन करते हैं। अब इसमें से कौन सा सीट का डेटा चाहिए, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीट का नेम आ जाएगा, ये सीट का डेटा है, आपने डेटा को देख लिया, आप और इसको मैंने लोड कर लिया। लोड करते ही यहाँ पे देखिए, जैसे पिवट टेबल आप इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से पिवट टेबल की तरह ही यहाँ पे आपको सारे के सारे फील्ड्स आ जाएंगे। तो जैसे पिवट टेबल में आप यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, सेम चीज आपको पावर बी आई में करना है कि यहाँ से उठा विजुलाइजेशन देना है, कौन सा चार्ट, कौन सा ग्राफ या कौन सा टेबल चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर उठा के ड्रॉप कर दीजिए, सिंपल सा। तो एक छोटा सा डैशबोर्ड आप देखिए, मैं 7:21 में 21 पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 से 10 मिनट में मैं एक अच्छी सी रिपोर्ट बना सकता हूँ। अभी मैं क्या क्या कर रहा हूँ इसके बारे में हम आपके साथ अगली क्लास में क्लासेस जब होगी उसमें मैं डिस्कस करूंगा।
एक सिंपल सा मैं आपके सामने बना रहा हूं, हेडिंग हमारा हो गया। हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज से। और उसके बाद यहाँ एक स्लाइसर भी होता है और स्लाइसर में हम डेट डाल देते हैं। ठीक है, अब आपकी रिपोर्ट ये फाइनली हो गई। आप देख रहे हैं मैं 21 से स्टार्ट किया था, 26 में 5 मिनट लगे मुझे इस रिपोर्ट को बनाने में, ओनली फॉर 5 मिनट। तो आप सोच सकते हैं कि हमने इसको कितनी जल्दी रिपोर्ट्स बना दिए। क्या सर समझ में आया सर आपको कि किस क्या करेंगे आप पावर बीआई से? अंकित जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अंकित जी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं हम उससे। यस सर, हेलो, समझ में आया ना सर क्या करेंगे हम? जी जी सर, सर ये लाइक पाइवट टेबल टेबल की तरह हम इसमें यूज करते हैं। जी हाँ जी हाँ। समझ गया। अब बात आती है कि इस रिपोर्ट को हम भेजें कैसे। तो सेव करके पावर बीआई प्रोजेक्ट भेज सकते हैं या फिर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसमें? पीडीएफ में। पीडीएफ में, टेम्पलेट में, पीडीएफ में करके भेज सकते हैं। उसके बाद आप अगर इसको पब्लिश कर देते हैं पावर, इसको पब्लिश कर देते हैं पावर बीआई वेब वर्जन पे, ठीक है ना? तो कि वेबसाइट के थ्रू इसकी लिंक क्रिएट कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं और इसको आप भेज सकते हैं। ओके, मिल जाए। यस सर, सिंपल सा। तो ये थी हमारी पावर बीआई की एग्जांपल्स। अब हम कोर्स के बारे में बात करते हैं कि कोर्स कैसे यूज करेंगे आप। मैंने यहाँ पे वेब पे इसको अपलोड कर दिया, अब वेबसाइट पे चला जाएगा। यहाँ से मैं लॉगिन करूंगा और लॉगिन करके मैं वहां देख सकता हूँ यहाँ। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो कोर्स की डिटेल्स आपने मेरी वेबसाइट iptindia.com पे देखी होगी। जी सर, जी सर। तो एक बार मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है। जी जी जी, बिल्कुल सर। तो ये हमारा पीडीएफ डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। या तो बेसिकली जो कोर्स हमारा है ये 25 घंटे के आसपास है, मतलब तकरीबन 1.5 से 2 महीना मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे आपको इसके लिए 1 घंटे की क्लासेस मिलेगा। क्लास की टाइमिंग जब स्टार्ट आप करेंगे उस समय जो टाइमिंग अवेलेबल होगी वो टाइमिंग हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें सर एक एक्सेल का पार्ट है जो कि 7-8 दिन आपका एक्सेल का पार्ट चलेगा, क्योंकि जैसे बताया मैंने कि ये पावर पिवट टेबल से कनेक्टेड है, इससे पावर क्यूडी है, पावर पिवट भी इससे कनेक्टेड है। तो इसके बारे में जानना होगा। इसमें आपको क्या जानना होगा? पिवट टेबल,
स्लाइसर, पिवट टेबल, पावर टेबल फंक्शन, पावर क्यूबी एंड सम एसक्यूएल फंक्शन इन द पावर क्यूब। समझ गए? ये सर एक्सेल का पार्ट होगा, ये एक्सेल का पार्ट होगा जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसके बाद हम पावर बी स्टार्ट करेंगे। बेसिक फंडामेंटल होगा, पावर या डेस्कटॉप होगा, क्यूरी एडिटर होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका डेटा मॉड्यूल होगा, रिलेशनशिप वगैरह। उसके बाद इसमें आपका रिपोर्ट एंड विजुलाइजेशन होगा कि चार्ट क्या है, किस तरह से चार्ट यूज होता है, या फिर पावर बी आई सर्विसेज होगा जो कि मोबाइल और बाकी चीजों की यूज की जाती है। अदर डेटा बेस सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज लेंगे वो आएंगे। उसके बाद हम कुछ कस्टम विजुलाइजेशन को यहाँ पे हम यूज करेंगे। और लास्ट में हमारा होगा फाइनल प्रोजेक्ट। इसमें आपका जो होगा, आप बोलेंगे तो इसमें डैक फंक्शन वगैरह है, यहाँ पे सर आप दिख रहा है आपको, जो आप डेटा मॉडल रिलेशनशिप कराएंगे उसमें आपको पावर क्यूरी, इसके बाद यहाँ पे रेटिंग रिलेशनशिप, डैक दिख रहा होगा, डैक बेसिक फंक्शन, डैक कैलकुलेशन, दिख रहा है ना सर, ये सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। ओके सर, ओके सर। तो ये हमारा ड्यूरेशन होगा, और इसकी जैसे कि बताया मैंने आपको कि इसका 25 घंटे के आसपास लग जाएगा, इसकी फीस आपको 6000 रुपीज पड़ेगी। ठीक है, अब वैसे जब से स्टार्ट करना होगा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर।